फाइनली बुक हो गई इतने टाइम बाद। आई एम सो हैप्पी यार। बट कौन सी बुक की है वो मैं नहीं बताने वाला, वो आप लोग गेस कर लो। अभी आपको ब्रांड तो पता चल ही गया, बट कौन सी बाइक की है वो आपको नहीं पता, तो वो आप गेस कर लो। और कौन सा कलर है खास करके वो बताना मुझे अच्छे से बस। और ज्यादा कुछ दिखाने नहीं वाला अभी मैं आपको, जब बाइक आएगी तभी आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। नीलम बहुत खुश है, बहुत खुश। यश की फर्स्ट परचेज, फर्स्ट बाइक, फर्स्ट बाइक यश ने खरीदी। वैसे बहुत सुंदर लग रही है। Hi guys, welcome back to our channel and happy Ganesh Chaturthi to everyone. और अच्छे से celebrate कीजिए और safely दर्शन कीजिए। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो खास करके avoid कीजिए बाहर जाना, क्योंकि मन में भगवान होने चाहिए। So बस safely हर जगह जाइए और COVID को दिमाग में रखते हर जगह बाहर जाइए और दर्शन कीजिए। वैसे तो मुंबई में हर जगह खुल गया है सब कुछ और गणेश चतुर्थी अच्छे तरह से celebrate हो रहा है। जैसे कि आज मैंने देख लिया हर जगह पे मंडप लगे हुए, बस कहीं पे गर्दी नहीं है जैसे पहले होती थी। और अभी तो न्यू रूल भी आया कि 5 से ज्यादा लोग कहीं पे खड़े नहीं रह सकते। कल ही मैंने ये पोस्ट देखा था कि 5 से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते, स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। सो अवॉइड कीजिए बाहर जाना। तो इस शुभ दिन पे आज शुभ काम कर दिया आज हम लोग ने और आप लोग ने देख लिया जैसे कि बाइक बुक कर दी है फाइनली इतने टाइम बाद। सोच रहा था मैं करूँ भी या नहीं करूँ बाइक बुक, तो आखिर में कर दी। बहुत ज्यादा कंफ्यूज था यश, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्योंकि कंफ्यूजन क्या था कि यश बाइक नहीं चलाता, मतलब बिल्कुल, मतलब 2-3 महीने में एक बार निकालना और इतनी महंगी बाइक लेके फिर उसमें इन्वेस्ट करना, फिर वो पड़ी रहेगी, फिर उसका मेंटेनेंस, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है। तो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना था, तो फिर डिसीजन ले लिया। और मैं इतना कंफ्यूज था कि हम लोग 2 बार जाके आए शोरूम बुकिंग करने के हिसाब से, बट बुकिंग नहीं किया। फाइनली सोचा कि आज गणेश चतुर्थी है तो आज के दिन बुक कर लेते हैं। नीलम ने बोला, मैंने बोला था कि आज तेरी, मतलब तू पहली बार ऐसी कुछ चीजें ले रहा है तो तू अच्छे दिन पे ले ले, सो आज हम लोग नहीं करते। वैसे इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे टैग्स आ रहे हैं कि फोर्ड की कंपनी बंद हो गई और वो पोस्ट पे मुझे टैग कर रहे हैं कि मेरे पास जो फोर्ड की कार है वो अभी बंद हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग उसका बंद कर दिया है। फोर्ड की कोई भी कार अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों, मैं जो भी गाड़ी लेता हूँ कंपनी ही बंद हो जाती है सीधा। मेरे पास इसके पहले एक बाइक थी जो कि आप लोगों को शायद से इतना पता नहीं होगा वो बाइक के बारे में, उसका नाम था यूनाइटेड मोटर्स, UM करके एक बाइक आती थी। तो UM की मेरे पास स्पोर्ट S थी ऑरेंज कलर में, मेरे डैड ने ली थी वो क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई थी तभी, और 2017 में ली थी। और वो भी 3 साल के बाद उसकी कंपनी ही बंद हो गई, पूरी शट डाउन हो गई, ना ही सर्विस सेंटर खुला है ना ही उसका शोरूम खुला है, सब शट डाउन हो गया। और वो भी चलाई नहीं, उसका भी इतना मेंटेनेंस आता था, बिल्कुल बड़े बड़े बैटरी डाउन हो जाती थी उसकी। सोचो मैंने सिर्फ उसको 6,000 किलोमीटर चलाई थी, वो भी 3 साल में, सिर्फ 6,000 किलोमीटर, मतलब कुछ भी नहीं था। और मैंने उसको जब बेचा ना तो मुझे सिर्फ 30% मिला उसका, मतलब जितने में मैंने बाइक खरीदी थी खाली 30% मुझे रिटर्न मिला, बाकी सब वेस्ट गया। क्योंकि उसका बाइक का भी वैल्यू ही नहीं ना, अगर वो कंपनी बंद हो गई तो उसको बाइक की वैल्यू क्या रहेगी। अभी मेरे कार का भी वही सीन होने वाला है, इसलिए मैं अभी वो बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला, बेच के मतलब ही नहीं है अभी फोर्ड की कोई भी कार। मेरे ख्याल से अभी हर कोई फोर्ड ओनर अपनी कार बेचने पे लगा रहेगा कि मुझे दूसरे लिए, पर मैं नहीं बेचूंगा अभी, यही रखूंगा, मतलब क्या ही कर सकते हैं। बस अभी मैंने रॉयल एनफील्ड ली है तो वो बंद नहीं होनी चाहिए, वो बंद नहीं हो जाए नहीं तो ऐसा हो जाएगा यश जो भी गाड़ी खरीद रहा है वो कंपनी बंद हो जाएगी। अगर रॉयल एनफील्ड बंद हुआ तो मैं फिर कॉन्ट्रैक्ट लूंगा नीलम सारे कंपनी वालों से, मतलब आपको कौन सी कंपनी बंद करानी है बोलो, मैं खरीदता हूँ गाड़ी और बंद हो जाएगी तो कंपनी बंद, ऐसा कुछ भी नहीं है यश। गणपति बप्पा मोरिया, ये भी खोल के देना। इतना कैसे खत्म हो जाता है कॉफी, तू ही पीता पूरे घर पे कॉफी और कोई नहीं पीता, बहुत जल्दी खत्म हो जाता नहीं हो गया। लास्ट है आज, लास्ट बनेगी नीलम, झुमका गिर रहा है नीलम, 2 बार लगा के दिया मैंने तो भी गिरा है। दे इधर अच्छे से लगा, झुमका बरेली वाला अखियों में ऐसा आया, ऐसा आया यश तूने झुमका अच्छे से लगाया, बहुत सुंदर दिख रही है आज, मस्त एकदम एकदम प्रीटी, ऐसे रोज होना चाहिए ना फेस्टिवल, तो मैं रोज इंडियन पहन तो चाहिए। खाली बोर्ड हम लोग इतना लाइट लगाए थे, इतना मस्त आती है ऐसे लाइट में। हाँ, तू पूरा टाइम लाइट लगाता है, अच्छा लाइट आता है वैसे नेचुरली। अभी मैं ऐसे ही बैठी थी, आज इतना अच्छा दिन है गणपति का, ऐसा फील हो रहा था, आई एम सो ब्लेस्ड, मतलब वी आर सो ब्लेस्ड। मैं बहुत कुछ सोचती थी कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा चाहिए मेरी लाइफ, तो जो सब सोचती थी ना आज मेरे पास है सब कुछ, तो आई एम सो ब्लेस्ड। जो जो गोल सेट किए हमने, मैंने, वो धीरे धीरे सब कुछ पूरा हो रहा है।
है। और एक गुड न्यूज है, वो कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगी, वो भी मेरा ड्रीम था, वो भी मेरी एक ड्रीम, वो भी पूरी हो चुकी है। और मुझे ना मोदक खाने का बहुत मन कर रहा है यार, मतलब एकदम वो पहले ही कोई कोई घर पे बनाते थे ना, मतलब ऐसे बाजाली कोई आंटी घर पे गणपति आता था तो वो बना के देते थे एकदम ट्रेडिशनल मोदक, मतलब उसमें टेस्ट होता, गणपति का टेस्ट होता है मोदक में यार। मेरे घर पे हर साल बनता है, पर ये साल बनाया नहीं। और नीलम वैसे आज फास्ट कर रही, तूने बताया कि नहीं? पूरा दिन फास्ट करेगी और कुछ नहीं खाएगी बोला, और अभी इसको मोदक खाना है। मोदक दिखेगा तो फास्ट तोड़ देगी। नहीं, मतलब मैं कल खाऊंगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है वो मोदक। मुझे आजकल नीलम बहुत भूख लग जाती है यार। नीलम सो गई, थक जाएगी आज तू जल्दी, पूरा दिन फास्ट करेगी तो थकेगी ही ना, बट इतना भूख लग गया मेरे को पता नहीं क्यों। तो मेरे लिए क्या बनाएंगे अभी? कुछ नहीं, कुछ तो बना दे, चल मैगी बना दे, सूप बना दे। तू बना सकता है? मैं खुद ही बना लेता हूँ आज। नीलम तू आराम कर, आज तेरे को रेस्ट मेरी तरफ से। अभी तू आना मत, मैं बनाने वाला हूँ खुद, सो जा तू आज। हाँ। अरे ये तो मसाला है, मैगी नहीं इसमें। मिला खजाना मिला। कुकर प्लेट में लेने नहीं होता? अरे फिर बर्तन धोना पड़ेगा ना। मस्त चीज डाला नीलम, खा ले। बट यश ऐसे नहीं खाते टोप में और ऐसे डायरेक्टली। क्यों नहीं खाते? कौन बोला? मैं जो खाना बनाने वाला जो बर्तन ढक्कन होता है ना, मैं कभी ढक्कन में खाना खाती हूँ ना, तो मेरे घर में तेरी शादी में बारिश आएगी ऐसा बोलते। क्या मस्त क्लाउड्स है यार नीलम, सेम तेरी तरह। कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा तू मेरी आज? बहुत अच्छी लग रही है ना इंडियन में, अब मुझे रोज इंडियन पहनना पड़ेगा। तू इंडियन है ना? पर मैं मारवाड़ी हूँ। नीलम बोल रही है कि तू शर्ट पहनता है ना और ये इतनी तेरी बियर्ड रखता है ना तो बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है तो अभी मैं आज से शर्ट ही पहनूंगा। वो छोटी क्यों लग रही है? वही मैं बोल रही हूँ, इसने शूज पहने और मैंने कुछ भी नहीं पहना, तो कितनी छोटी लग रही हूँ। बहुत छोटी दिख रही है नीलम तू, मतलब मैं ऐसे देख रहा हूँ। कैसी लग रही है ऊपर से? बहुत अच्छी। तो अभी हमारे बिल्डिंग में गणपति है, हमारे सोसाइटी में, ये वाले स्टूडियो वाले, तो अभी नीचे जाके थोड़ा दर्शन ले लेते हैं, गुड वाइब्स ले लेते हैं और किधर बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि घर पे बहुत पकड़ा है अभी हम लोग को। हाँ यार बाहर जाना है थोड़ा, बाहर जाना है तो अभी बाहर ऐसे ही राउंड मार के घूम के आते हैं। लेट्स गो। गाड़ी में मच्छर आया है और नीलम को काट रहा है, दो बार काट दिया। दो बार काटा, ये देख इतना बड़ा फूंक गया और यहाँ पे भी काटा। ओ बेचारी, उसको मच्छर बहुत काटते हैं, जब भी किधर मच्छर हो गए तो पहले नीलम के पास ही जाते काटने के लिए। क्यों ऐसा? मेरा खून बहुत मीठा होगा। टेस्ट करने के पहले कैसे मालूम पड़ता है उनको, पर खून बहुत मीठा है इसके बाद जाओ सूंघ के। आज मैंने थोड़ी सी तारीफ क्या कर ली कि यार शर्ट में बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो यश अभी शर्ट लेने जा रहा है, मतलब मेरे को भी शर्ट लेने बहुत सारे। इतनी बात है, अभी तू बोली कि शर्ट में बहुत अच्छा लग रहा है तो शर्ट पहना कर, तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सीरियसली लूँ ना नीलम की बातों को। ले ले ले, लेनी चाहिए। फिर मैं शर्ट देखने जा रहा हूँ, अच्छा मिला तो अच्छी बात है। सो यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स है, कैफे है। सो हम लोग है ना, जब हम लोग ने ये घर बाय नहीं किया था तो हम लोग मैक्सिमम टाइम वही गली में रहते थे या वहाँ पे कुछ खाते थे, या जो शर्ट लेने जा रहा था वो भी वहीं पे था। सो अभी हम लोग वो गली में आ रहे, ये दुकान कब आई, अरे वो दुकान कब आई, ये यहाँ से कब यहाँ पे शिफ्ट हो गई, ऐसे सब कुछ नया नया लग रहा था। पहले कितना टाइम पास करते थे हम लोग, कुछ होता नहीं था करने के लिए तो यहाँ पे कितना टाइम पास करते थे कार में, और कुछ खाने को जाने का इधर उधर। तो अभी हम लोग शॉप में गए थे, दुकान ही बंद हो चुकी है, कितना कुछ चेंज हो गया यार। आज गणपति का फर्स्ट डे, बट इतनी शांति है ना बाहर, इतनी शांति है, लाइक है हलचल है सब जगह, बट जो दो साल पहले जो गणपति का फीलिंग होता था लाइक सब जगह धमाधम ढोल ये वो, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लास्ट ईयर तो कुछ किया ही नहीं था ना 2020 में गणपति, किया था बट बहुत वैसे बहुत मिनिमल था, इस बार भी बहुत ज्यादा कम है बट ठीक है। अभी हमारे नेबर आए थे हमारे घर पे, कुछ तो आंटी ने घर पे बनाया था, तो देने आंटी बोलते अभी नेक्स्ट टाइम जब कुकीज बनाएगी तब बोलना। अच्छा आलू वड़ी बोलते उसको, मुझे नहीं पता था उसको आलू वड़ी बोलते। बहुत सारे ऑरेंजेस लेके आए, ऑरेंजेस सॉरी, बहुत सारे मौसम्बी हम लोग लेके आए, तो आज मौसम्बी का जूस बनाएंगे, क्योंकि ले उसकी नीज और उसका भाई आ रहा है, उसका किसका, नीलम का। इतने में नहीं होने वाला है, एक ग्लास बनेगा सिर्फ इतने में, सब आज सब बना देते नीलम। इतना महंगा मिक्सर क्यों लिया मालूम है? ताकि वो अपना काम अच्छे से करे, उसका आधा काम तो तू ही पूरा कर रही है, इतना छिलने की जरूरत नहीं है उसको, उसका छिलका निकाल लेगा अपने। तो ऐसे डालू? हाँ ऐसे नहीं, खाली वो ग्रीन निकालना है तुझे, तू इतना छोटा पीस करके उसका सब कुछ निकाल के डाल रही है। तो छोटा करूंगी तो ज्यादा अच्छे से पीसेगा ना गाइस? गाइस को थोड़ी पीसना है, इसको पीसना है। कैसा लगा जूस? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा ही बोलो, नहीं तो शाउट आउट नहीं मिलेगा। चलो गाइस तो अभी आज के लिए बस इतना ही,
अभी ये हमारा कैमरा हड़प लेगा और इशू तेरा लैपटॉप हड़प लेगी। तो अभी हम लोग करेंगे क्या? तो ये वाला वीडियो अभी यहीं पे खत्म कर लेते गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स में, और ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से 600K पहुंचा देना। बाय। हो गया।